सर, ट्रांसफार्मर के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कितने पार्ट्स कॉम्बिनेशन से बनता है आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यूट्यूब पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिला जिसमें ट्रांसफार्मर के इंटरनल और एक्सटर्नल सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया हो। सो इस वीडियो में मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टॉपिक में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल 14 चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो नंबर वन पे जो हमारे पास है उसका नाम है फ्रेम टैंक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इट्स प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर कोर एंड कॉइल्स एंड प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑल एक्सेसरीज। मतलब कि जिसका टैंक वाला पार्ट होता है, ये ट्रांसफार्मर की जो कॉइल होती है और अंदर के जितने भी इंटरनल पार्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। नंबर टू पे जो हमारे पास चीज आती है उसका नाम है कोर, इट प्रोवाइड द मैग्नेटिक पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि जो चुंबकीय फ्लो है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए पाथ देता है, कि जिस पाथ से होकर ये म्यूचुअल इंडक्शन कर सके और एक पाथ से एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक जा सके। नंबर थ्री पर जो चीज़ आती है उसका नाम है वाइंडिंग्स, यानी कि दीज प्रोवाइड द पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि यह जो हम इसी सप्लाई देते हैं उसमें जो करंट होती है उसको फ्लो करने के लिए ये पाथ देता है, यानी कि रास्ता देता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके इजीली। नंबर फोर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसका नाम है रेडिएटर। रेडिएटर इट इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव द कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो रेडिएटर का यूज़ होता है वो ट्रांसफार्मर के कूलिंग पर्पज़ के लिए की जाती है, यानी कि जो वाइंडिंग हीट होती है जिससे ऑयल हीट होता है वो रेडिएटर्स में सर्कुलेट करता है, जिसके ज़रिए से ट्रांसफार्मर कूल होता है। जैसे कि हमारा सीपीयू में फ़ैन लगा होता है जिसकी हेल्प से हमारा सीपीयू का जो प्रोसेसर है वो कूल होता है। फाइव नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसका नाम है ड्रेन क्लॉक। ड्रेन क्लॉक इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड ड्रेन द ट्रांसफार्मर ऑयल। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का वेस्ट ऑयल है जो यूज़ में नहीं आता है वो नीचे कलेक्ट करता है ये पार्ट, और उसको निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। नली टाइप की लगी होती है उसी को बोलते हैं ड्रेन क्लॉक, जिससे ट्रांसफार्मर का वेस्ट ऑयल कलेक्ट करके बाहर निकाला जाता है। सिक्स नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसका नाम है रोलर्स। रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि जो छोटे छोटे व्हील्स नीचे लगे होते हैं, कि ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी वेट वाली चीज़ होती है, सो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है छोटे छोटे व्हील्स का, ताकि इसको ईजिली इधर से उधर किया जा सके। तो सेवन नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बसिंग। हाई वोल्टेज बसिंग इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हाई वोल्टेज टर्मिनल विथ प्रॉपर इंसुलेशन। मतलब कि जो हाई वोल्टेज के लिए टर्मिनल्स होते हैं वो प्रॉपर इंसुलेटेड होते हैं, ये जो ऊपर वाला साइड है इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज बसिंग। सो एट नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है वो है लो वोल्टेज बसिंग। लो वोल्टेज बसिंग इट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर लो वोल्टेज टर्मिनल विथ प्रॉपर इंसुलेशन। मतलब कि जो कम वोल्टेज के लिए टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका इनपुट में लो वोल्टेज बसिंग लगाते हैं और आउटपुट में हाई वोल्टेज बसिंग लगाते हैं। जस्ट उसी तरह अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो लो वोल्टेज आउटपुट साइड में लगाते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है। तो नाइन नंबर पर जो हमारे पास जाती है उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर द वायर ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसकी जो वाइंडिंग होती है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर की वजह से चेंज होती है तो जो उसका ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो अपने स्पेस से थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब ऊपर जाने के लिए तो स्पेस होता नहीं, इसलिए वो कंजर्वेटर टैंक में थोड़ा सा अप हो जाता है। तो नंबर टेन पर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं एक्सपोलेंशियल वेंट। एक्सपोलेंशियल वेंट इट इज़ एन एमरजेंसी सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई प्रेशर इनसाइड द ट्रांसफार्मर। मतलब एमरजेंसी टाइम पे जो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सो उसको प्रोटेक्शन के लिए इस डिवाइस का यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। सो 11 नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। मतलब कि एक तरफ से बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का ब्लड है। उसकी डेफिनेशन होती है ट्रांसफार्मर ऑयल इट इज़ अ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है घटता है ड्यूरिंग द थर्मल इफेक्ट, और इसमें जो है प्योर इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है 90%। सो 12 नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं बिकॉल्स रिले। बिकॉल्स रिले इट इज़ अ गैस ऑपरेटेड रिले विच गिव्स अलार्म ड्यूरिंग ओवरलोड एंड ट्रिप इन केस ऑफ
सर्वर फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर, मतलब कि जब कभी भी इमरजेंसी होती है या फिर एक ट्रांसफार्मर का कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, सो ये रिले ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देती है, यानी कि ट्रांसफार्मर को ख़राब होने से बचा देती है। सो इसका मेन रोल यही होता है बस। सो 13th नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज दिस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। सो ये दो टाइप के होते हैं। मेन रोल इनका क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो इसके इंडिकेटर को ये डिटेक्ट करते हैं ताकि जो फॉल्ट है वो ना हो पाए। तो 14th नंबर पर जो हमारे पास चीज़ आती है उसको बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर इट इनहेल्स डस्ट एंड मॉइस्चर फ्री एयर इनसाइड द ट्रांसफार्मर। जो ब्रीदर का काम होता है, मेन काम होता है, जो उसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर एयर जाती है उसके अंदर जो है ना धूल नहीं होनी चाहिए और मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, यानी कि नमी नहीं होनी चाहिए, तब ट्रांसफार्मर प्रॉपर वर्क करेगा, वरना उसके अंदर फॉल्ट आ सकता है बहुत ईजी तरीके से। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे ही कमाल के वीडियोस मैं रेगुलर आता रहता हूँ।